बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं ज़ैन एंटरटेनमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में हम जा रहे हैं कराची कैंट स्टेशन। दोस्तों कराची रेलवे स्टेशन लियारी से आधे घंटे का सफ़र है। दोस्तों ये सफ़र भी हम बाइक पर ही कर रहे हैं। दोस्तों मेरे कुछ कज़न बावलपुर जा रहे थे बाई ट्रेन, तो मैंने सोचा स्टेशन कराची रेलवे स्टेशन की भी एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों कराची के इस रेलवे स्टेशन को लोग कैंट स्टेशन के नाम से जानते हैं और ये रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा पुराना भी है। और रकबे के लिहाज से भी ये रेलवे स्टेशन कराची का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो ये ले दोस्तों, हमने आधे घंटे का सफ़र रेलवे स्टेशन का पूरा कर लिया है। अब हम पहुंच चुके हैं कराची कैंट स्टेशन। दोस्तों कराची कैंट स्टेशन में इंटर होने के लिए आपको बाइक के 20 रुपये पार्किंग के लिए देने पड़ेंगे। तो ये है दोस्तों कराची कैंट स्टेशन, जैसा कि आप सब देख रहे हैं बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं ज़ैन एंटरटेनमेंट। दोस्तों आज की वीडियो भी एक ट्रेवलिंग वीडियो है। हमारे कज़न जा रहे हैं बावलपुर, हम स्टेशन छोड़ने आए हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपने साथ टिकट ही भूल गए रेलवे का, तो टिकट लेने भी घर गए। टिकट लेके आएंगे तो आपको पूरा स्टेशन भी दिखाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये है द स्टेशन होटल, बहुत खूबसूरत बनाया गया। अभी ट्रेन के ही डब्बे हैं, इन्हें बनाया गया है बहुत खूबसूरत। और ये पीछे पार्किंग है, अब आपको वो एरिया भी दिखाते हैं पूरा, ट्रेन वाला हिस्सा, वो टिकट लेके आएंगे। दोस्तों कज़न ने अपने टिकट ले आए, कज़न वाले टिकट ले आए और वो ट्रेन में भी बैठ गए हैं। ट्रेन अब चलने भी लगी है, अब वो सीधा बावलपुर जाएंगे, सुबह तक पहुँच जाएंगे बावलपुर। तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था आज कराची में, बहुत ज़्यादा हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ट्रेन अब निकल चुकी है 11 बजे की, अब वो सीधा सुबह बावलपुर ही उतरेंगे। मौसम भी अच्छा है और सुना है कि आगे बारिश भी हो रही है नवाबशाह साइड पे, तो इनको वेदर काफ़ी इन्जॉयमेंट वेदर मिलेगा इन्हें सफ़र करने के लिहाज से। और यहाँ पे अगर लॉकडाउन और SOPs की बात करें तो यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं यहाँ बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, किसी ने मास्क भी नहीं पहना हुआ, बहुत से लोगों ने मास्क नहीं पहना है, सिर्फ काफ़ी इन्जॉयमेंट हुई, काफ़ी फन हुआ। अब सीधा जाएंगे घर, उनको बाय बाय कर दिया है। जैसा कि दोस्तों आपने कज़न को ट्रेन में जाते हुए देखा, तो 11 बजे की ट्रेन निकल चुकी है, अब कज़न सीधा सुबह बावलपुर ही उतरेंगे। अब हम चलते हैं घर, ये है रेलवे स्टेशन जहां से ट्रेन निकलती है। दोस्तों एंट्रेंस पर जो 20 रुपये आप देते हैं पार्किंग के लिए, तो वो आपको एक कार्ड देते हैं ताकि आप अपने गाड़ी को पार्किंग में लगा सकें, और वापसी में आपको वो कार्ड देना है पार्किंग का। और दोस्तों एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, दोस्तों हमने यहाँ पर 2 चिप्स खरीदे थे, लेस चिप्स, जो कि 30 रुपये का एक था, लेकिन दोस्तों यहाँ रेलवे स्टेशन पर हमें 40 रुपये का दिया गया। और जब पूछा गया तो उस भाई ने बताया कि यहाँ पर ट्रेन कड़ा है। तो दोस्तों ऐसा मेरे साथ एयरपोर्ट पर भी हो चुका है, वहाँ पर भी मैंने खाने पीने के लिए कोई जूस या चिप्स ख़रीदा था, तो वहाँ पर भी मुझे ज़्यादा रेट बताया गया। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो हमारे इलाके में तो 30 रुपये का है, तो उन्होंने कहा आपके इलाके में तो जहाज़ नहीं कड़ा हुआ ना, यहाँ जहाज़ कड़ा हुआ इसलिए। लेकिन दोस्तों पता नहीं लोग क्यों इस तरह करते हैं, अरे भाई 30 रुपये का आप चिप्स बेच रहे हो, तब भी आपको पैसे तो बच रहे हैं ना, लेकिन नहीं इन्होंने तो 40 का बेचना है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।